माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, आज आपको प्लांट प्रोटिस्टा के कंटिन्यूएशन में दूसरा ग्रुप क्राइसोफाइटा और डाइएटम्स और डाइनोफ्लैजेलेटा, ये तीन आपको बताए जाएंगे। पहला क्राइसोफाइटा है, जिसे हम गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। दूसरा बैसिलेरोफाइट है। क्राइसोफाइटा के दो ग्रुप, पहला गोल्डन ब्राउन एल्गी और दूसरा बैसिलेरियोफाइट या डाइएटम्स। गोल्डन ब्राउन एल्गी के करेक्टर्स दिए गए हैं, 1200 स्पीसीज होती है। इसके तीन फार्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं दोनों, एक फ्री लिविंग दूसरा फिलामेंटस, तीसरा कॉलोनियल। ये मोस्टली मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। सेल वाल सेलुलोज का बनता है और उसके ऊपर पेक्टिन की कवरिंग होती है, साथ में सिलिका का माउंटिंग होता है, लेयरिंग उसके ऊपर पाई जाती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दिखाए गए हैं, इनको तैयार करेंगे आप सब, रिटर्न असाइनमेंट में दिया जाएगा। ये इनके ऊपर जो सिलिका की लेयरिंग होती है और साथ में फ्यूकोजेंथिन और सिलिका, ये इनको गोल्डन ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। इस नाते इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से कहते हैं। स्टोर्ड फूड है ये, कार्बोहाइड्रेट का ल्यूकोसिन फार्म होता है, आयल ड्रॉपलेट पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, गोल्डन ब्राउन एल्गी फाइटोप्लैंक्टन के छोटे पार्ट के रूप में पाए जाते हैं, जिनकी डायमीटर 0.5 मिलीमीटर होती है। इसी नाते इनको हम नैनो प्लैंक्टन्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप क्या है, बैसिलेरोफाइट है। ये मोस्टली मैरीन है, फ्लैजेला नहीं पाया जाता, पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, क्योंकि आयल स्टोर होता है इनके बॉडी में फूड रिजर्व ग्रुप में, इसलिए वाटर सरफेस पर फ्लोट करते पाए जाते हैं। और ये मेजर फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में माने जाते हैं। डाइएटम्स के दो फार्म होते हैं, एक बायलेटरली सिमेट्रिकल, जिसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए, दूसरा क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल दिए गए हैं, रेडियली सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे आप। इनके पिगमेंट्स और फूड रिजर्व, ये दोनों जो गोल्डन ब्राउन एल्गी में बताए गए हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, असाइनमेंट में दिए गए हैं, उसको आप तैयार करेंगे। अगला है पायरोफाइरा यानी डाइनोफ्लैजेलेटा। ये दो फ्लैजेला बियर करने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसके मोस्टली मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनकी 2100 प्रजातियाँ नोन हैं। इनको हम वर्लिंग स्विमर इसलिए कहते हैं क्योंकि गोलाई में ये रोटेट करते नज़र आते हैं। माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप तो ये गोलाई में रोटेट करते नज़र आते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनकी साइज 5 से 2000 माइक्रोमीटर तक होती है। बॉडी के ऊपर ये गर्डिल्स होते हैं जो सेलुलोजिक होते हैं, छोटे छोटे गर्डिल से कवर्ड होते हैं। दोनों फ्लैजेला इसके बाहर आए हुए हैं। साथ में भी ध्यान देंगे कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इन पिगमेंट्स के वजह से रिजर्व फूड मैटर पाया जाता है। और गाइनोलेक्स एक ऐसा डाइनोफ्लैजेलेट है जो कि रेड टाइट काज करता है। रिप्रोडक्शन इनमें मोटाइल स्पोर यानी बाईफ्लैजेलेटेड स्पोर जूस्पोर के माध्यम से होता है और बिना फ्लैजेला वाले ऑटोस्पोर और एप्लेनोस्पोर के माध्यम से होता है। तो ये असाइनमेंट आज का है, आप इसको तैयार करेंगे।